नमस्ते व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं जामाखोल प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न शास्त्र के बारे में तो हम सबको मालूम ही है ना, कि जन्म कुंडली के साथ साथ हम कभी कभी प्रश्न कुंडली का भी सहारा लेते हैं किसी भी जातक की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो उसमें तरह तरह के जो हैं टेक्निक्स हैं हमारे, और तरह तरह की पद्धतियां हैं प्रश्न शास्त्र की, और जिसमें से एक बहुत फेमस पद्धति है और बहुत ही अचूक पद्धति जिसको हम कहें, हमारे साउथ इंडिया में ज्यादा ये इसका प्रचलन है, और उसका नाम है जामाखोल प्रश्न पद्धति। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे जो है हम और जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं उससे ये कैसे डिफरेंट है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा ग्रंथ है जिसको हम यूज करते हैं, उसका नाम है जनेन्द्र माला, और ये एक जैन सेंट थे उपेंद्र आचार्य जी, उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है। और इसकी ट्रांसलेशन जो रिसेंट टाइम्स में करी वो बहुत पॉपुलर ऑथर हैं एन चिदम्बरम अय्यर जी। तो ये हमारा मेन रेफरेंस टेक्स्ट है, और जो हम टेक्निक यूज करने जा रहे हैं फर्दर, मतलब जो ये जामाखोल पद्धति है इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं वो है जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं रहे हैं वैद्यनाथन जी, उन्होंने जो यूज किया है, हम वो टेक्निक के बारे में जो है बात करेंगे आज। तो अब देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं ये जामाखोल प्रश्न के। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं तो जिस एग्जैक्ट जिस मोमेंट पर जिस क्षण पर वो प्रश्न जो है एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा है ना, किसी ज्योतिषी के पास में जो है वो प्रश्न जो है जातक ने रखा है, तो उस समय का हम हॉरोस्कोप जब बनाते हैं उस समय की जो ग्रहों की स्थिति है, किस राशि में कौन सा ग्रह है, तो वो हम जब कुंडली बनाते हैं तो उसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो एक तो वो नॉर्मल पोजीशन है ग्रहों की जो हमें चाहिए है इसमें जामाखोल प्रश्न को, प्रश्न पद्धति को यूज करने के लिए। तो दूसरा जो है इसमें हम एक दूसरे तरीके की एक ग्रहों की पोजीशन हम निकालते हैं जिसको हम कहते हैं जामा ग्रह। तो जामा का रिलेशन जो है वो काल से है, और हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे ये राशियां निकालते हैं सारे ग्रहों की। तो ये जामा ग्रह जो है ये जरूरी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम दो तरीके से लग्न को यूज करते हैं, एक तो हम कहते हैं उदय उदयम, और दूसरा है अरुण। तो जो उदयम है वो लग्न की तरह ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से हमें सारा प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो देखना होता है, जो इस समय की स्थिति है और जो हमने आगे के लिए प्रिडिक्शन करनी है वो उदयम से ही रिलेट होएगी। लेकिन ये जो है हमारा लग्न से डिफरेंट है। इसी तरीके से जो अरुण है, जो लोग जेमिनी जानते हैं वो इसको जैसे हम जेमिनी में अरूर को कैलकुलेट करते हैं, ये उस तरीके से अरूर यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसका हम स्पेसिफिक जो तरीका है जो हमें वैद्यनाथन जी से जो वो यूज करते हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे अरूर को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें
आरूर की जरूरत क्यों पड़ती है प्रश्न में, क्योंकि जो बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पस है, जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो प्रॉब्लम है और उसका जो इशू है, जो भी जातक प्रश्न लेकर आया है वो हमें आरूर से क्लियर हो जाता है, वो हमें बताए या ना बताए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न जब जातक के मन में उठता है तो वो जब तक वो किसी ज्योतिषी के सामने वो प्रश्न पहुंचता है तब तक या तो उसकी वो इंटेंसिटी नहीं रहती है प्रश्न की, या उसमें कोई वेरिएशन हो जाती है। तो कुछ भी ऐसी स्थिति में जो आरूढ़ है वो ज्यादा एक्यूरेसी से हमें उसका उस जातक के ज्योतिषी के पास पहुंचने का जो पर्पस है वो क्लियर कर देता है। और फिर हमें जानना है सूर्य वीथी के बारे में। तो सूर्य वीथी क्या है? सूर्य वीथी सूर्य की चाल है। सूर्य जो सूर्य की तीन तरीके से जो है वो सूर्य की चाल जो है वो कही जाती है, इसको भी हम आगे समझेंगे। और उसके बाद आता है छत्र, या इसको कहते हैं कविप। तो ये कुछ जो हैं, ये जैसे जामा यामा, ये सब कुछ तमिल वर्ड्स हैं तो हम इनको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और छत्र और कविप जो है वो भी हम देखेंगे क्या है, वो जो हिडन चीजें हैं उसके बारे में भी हमें बताता है। और एक तरीके से जिस राशि में छत्र है तो वो ही जो है मेन, इन अ वे जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आना है, हमारा वो इवेंट जो है वो घटित होगा नहीं होगा क्या होगा, वो सारा कुछ डिपेंड करता है छत्र के ऊपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इनको हमने कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे इस प्रश्न कुंडली का हमने यहाँ पे निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर हम जगन्नाथ होरा यूज करते हैं, जो हमारा एक बहुत अच्छा पीवी नरसिम्हा राव जी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं वो इसे जरूर देखें। जे होरा के नाम से आपको फ्री इसका डाउनलोड जो है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जगन्नाथ होरा को यूज कर रहे हैं और इसमें हमने सेटिंग्स में जो है ध्यान रखना है, ये सेटिंग्स जो है उसमें हमने अनामशा को ट्रू लहरिया अनामशा पे सेट करना है, और सनराइज वाली ऑप्शन में जो सूर्योदय का है वहां पर हमने टिप ऑफ द सन्स डिस्क अपीयर्स टू बी ऑन द ईस्टर्न होराइजन, मतलब सूरज जब जस्ट टच ही किया है ईस्टर्न होराइजन पे, पूरब अपना होराइजन पे, तो उसका हम यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, ठीक है। सो ये आप इसको इसके बारे में केयरफुल रहिएगा कि आपने ये सेटिंग्स पहले सेट करी है कि नहीं है। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ से, मैंने ट्यूसडे का ये 4 मई का 7 बजे के करीब का एक चार्ट बनाया है। तो इस चार्ट में जो नॉर्मल ग्रहों की पोजीशन है, जिस समय मैंने चार्ट बनाया उस टाइम पर 2 नंबर का लगन था वृष राशि, और बुध राहु वृष में है, मंगल जो है वो मिथुन में है, और केतु है वृश्चिक में, फिर शनि और चंद्र उस समय है मकर में, गुरु है कुंभ में, और शुक्र और सूर्य जो है वो मेष के हैं, ठीक है। तो एक तो हमें ये जो उस वक्त के ट्रांजिट की जो उस वक्त के मोमेंट की जो ग्रहों की स्थिति है वो नोट करनी है। अब हमने जब ये जामा समझना है तो उसके लिए हमें काल चक्र को समझना पड़ेगा। तो काल चक्र जो है वो हमें हमारे टाइम का जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको बताता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारी 10 डायरेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं ज्योतिष में, जिसमें से 4 तो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जो कि हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 फिर इनके मध्य का जो है वो है ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, और एक जो है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन रहती है और एक जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये 10 डायरेक्शंस पे की हम बात करते हैं।
और हर डायरेक्शन जो है, हर दिशा जो है वो उसके साथ में जो है कोई एक पर्टिकुलर देवता एसोसिएटेड है। जैसे कि ईस्ट से अगर हम पूर्व से शुरू करते हैं तो इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत और ब्रह्मा। तो अनंत जो है वो वर्टिकली अप है और ब्रह्मा जो है वो वर्टिकली डाउन है। और सभी दिशाओं के साथ में देवीज का भी एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये कालचक्र को हम देखते हैं कि ये कैसे, यहाँ से अगर हम देखें पूर्व दिशा से तो यहाँ के देवता हैं इंद्र, और फिर हम ऐसे जब घूमेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा साउथ ईस्ट के देवता हैं अग्नि, साउथ के हैं यमा, ऐसे हम बाकी सारे देवता अनंता और ब्रह्मा। ठीक है, तो अब जब हम नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो जो उसके लिए इन दिशाओं में जो हमें जो एक नकारात्मक प्रभाव जो प्लैनेट्स या ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं इन डायरेक्शंस के लिए, इन दिशाओं के लिए, तो वो कैसे हैं? वो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं पूरब दिशा से, तो सूर्य जो है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी भी हमें सूर्य ही देते हैं। एक ऐसी दिशा है जहाँ पर पॉजिटिविटी भी सूर्य देते हैं और जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो भी सूर्य ही देते हैं। हम साउथ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह हैं वो हैं मंगल, इस दिशा को के नेगेटिव इफेक्ट्स को रूल कर रहे हैं यहाँ पर। और साउथ में जो है वो गुरु हैं, साउथ वेस्ट में है वो बुध, वेस्ट में शुक्र, और नॉर्थ वेस्ट में शनि, और नॉर्थ में चंद्रमा, नॉर्थ ईस्ट में राहु है ना। तो ये हमारे कालचक्र के ग्रह हैं और इस सीक्वेंस को ही हमें याद करना है यहाँ पे। तो अब हम ये कुछ काल के समय के जो है यूनिट्स के बारे में समझेंगे कि यामा किसे कहते हैं और जामा किसे कहते हैं। तो यामा जो है वो हम 3 घंटे की एक अवधि को कहते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं हम वैदिक ज्योतिष में हम एक वार जो लेते हैं उसे हम एक सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक लेते हैं। तो उस एक वार में 8 यामास होते हैं। तो 8 यामास कैसे हो गए? उसको जो भी सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय का समय है उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो यामास, 8 यामास बोलेंगे उनको। और ये जो 8 यामास हैं इनके फिक्स्ड लॉर्ड्स हैं। तो वो फिक्स्ड यामा लॉर्ड्स को हम जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम यूज करते हैं तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि 3 से 6 बजे का जो समय है वो राहु का काल होता है, राहु का यामा होता है। और अगर हम उस वक्त में उठकर अपनी पूजा एक्टिविटीज वगैरह करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही शुभ है ना। तो हम माया के परे जा सकते हैं। तो दिनमान हमको मालूम ही है कि एक दिन की क्या ड्यूरेशन है ना। तो जो पूरा वार है उसमें से उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, तो उसको हम बोलेंगे दिनमान। फिर रात्रिमान क्या हो गया? सूर्य सूर्यास्त से लेके अगले दिन सुबह तक का टाइम वो रात्रिमान हो गया। और दिनमान और रात्रिमान दोनों को ही 8-8 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको कहा जाता है काल या जामा। तो अप्रॉक्सीमेटली समझिए कि वो 1.5 घंटे के करीब का, 90 मिनट्स के करीब का समय रहता है जिसको हम कहते हैं एक जामा। क्लियर है ना? तो अब जामा ग्रह को हम कैसे फिक्स करेंगे? देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि इसमें हम 2 तरीके से ग्रहों को देखेंगे। एक तो जो उस वक्त का जो सामान्य जो ग्रहों की स्थिति है ना, तो वो हमने चार्ट यहाँ पर लिया ही है यहाँ पर, है ना। और दूसरा चार्ट हम एक और बनाएंगे जो जामा ग्रहों को हमने फिक्स करना है। तो वो कैसे करना है? ये साउथ इंडियन चार्ट में थोड़ा फिक्स करना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने
जो हमारे चर राशियां हैं और द्विस्वभाव राशियां हैं, उनमें हमने बाहर एक-एक और बॉक्स बना दिया है ये ब्लू कलर से। तो यहां पर हमने अब जामा ग्रहस को प्लेस करना है। तो एक-एक जामा में एक-एक ग्रह या एक सीक्वेंस में हमने ये ग्रहों को प्लेस करना है, ठीक है? तो मतलब कहाँ पर जो है ग्रह नहीं आएंगे वो है हमारी फिक्स्ड साइंस। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें दो चार्ट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा आसान था कि हमने यहीं पर बाहर ये बना लिए, बट नॉर्थ इंडियन में हमें दो अलग से चार्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, क्रॉस लगा लिया है, मतलब ये स्थिर राशि जो है इनको छोड़ दिया है और बाकी जगह पे क्रॉस लगा दिए हैं। इन क्रॉस में अब हमने ग्रहों को प्लेस करना है, ठीक है? तो थोड़ी प्रैक्टिस से ये आएगा। तो अभी काफी सारे एग्जाम्पल्स आके लिए हैं, तो उससे आशा करती हूँ आप लोगों को सब ये समझ आ जाएगा। तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि सूर्योदय जो है वो 6 बजे का है और सूर्यास्त जो है वो शाम के 6 बजे का है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमने ये जामा ग्रह जो है वो प्लेस करने हैं। तो जब हमने 6 से 6 को डिवाइड किया तो एग्जैक्ट 1.5 घंटे का 8 उसके हिस्से आ गए। तो हमने 6 से 7:30 बजे का टाइम रखा इधर, फिर अगले अगली राशि में फिर हमने स्किप कर दिया जो हमारा स्थिर राशि है उसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद अगली राशि में हमने 7:30 से 9 बजे का टाइम रखा और फिर 9 से 10:30 का जामा इधर आ गया। फिर स्थिर राशि को स्किप किया हमने और फिर उसके बाद में 10:30 से 12 का जामा इधर आ गया। फिर 12 से 1.5 बजे का, ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में अगर हम देखें तो हमने 6 से 7:30 का जामा मीन राशि से शुरू किया। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ हम मीन राशि से ये शुरू किया हमने पहला जामा। तो जो भी पहला जामा है वो हमने मीन राशि से शुरू किया। मीन राशि के बाद में फिर ये स्थिर राशि आ गई है तो इसको छोड़ दिया। उसके बाद मकर में आए तो अगला जामा जो है 7:30 से 9 बजे का मकर में आ गया। फिर कुंभ में आ गए 9 से 10:30 बजे का जामा। फिर उसके बाद में फिर से स्थिर राशि आ गई वृश्चिक की, इसको छोड़ दिया। फिर तुला में पहुंचे तो 10:30 से 12 वहां हो गया। फिर कन्या में 12 से 1.5 बजे फिर ये स्थिर राशि को छोड़ दिया। फिर यहाँ पर हम कर्क में पहुंचे तो 1.5 से 3 बजे तक का समय यहाँ आ गया। और उसके बाद में हम पहुंचे मिथुन में और 3 से 4:30 बजे का जामा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब इसमें ग्रह कैसे प्लेस करने हैं वो फिर हम आगे देखते हैं। तो पहला जामा हमने किसको असाइन किया, जो पहला टाइम स्लॉट आया, ठीक है ना? ये तो हमने देख लिया। तो अब देखते हैं कि जामा ग्रह प्लेस करने का क्या तरीका है। अगर हमारा प्रश्न जो है एक एग्जाम्पल लिया है, संडे वाले दिन सुबह 7:05 और 10 सेकंड को पूछा गया है, तो हमने जो संडे है, ठीक है ना, रविवार का दिन है, तो जो उस दिन का रूलिंग, जो दिन का उस वार का जो रूलर है ना, तो रविवार का रूलर कौन है, अपने सूर्य देव। तो सूर्य को हमने असाइन कर दिया मीन राशि। क्यों? क्योंकि जो 7 बजे का समय है वो पहले जामा में पड़ रहा है ना? तो हमने देखा पीछे पहला जामा कितने बजे तक है, 6 से 7:30 बजे और मीन राशि। तो हमने जो दिन का स्वामी है, दिन के स्वामी को हमने यहाँ पर बिठाना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, सूर्य को जो उस दिन के स्वामी हैं उनको हमने मीन राशि में बिठाया, क्योंकि प्रश्न जो है पहले जामा में पूछा गया, ठीक? और उसके बाद में फिर हम इसी सीक्वेंस में चलते रहे। यहां से सूर्य, सूर्य के बाद आ रहे हैं मंगल, फिर गुरु, फिर बुध, है ना? तो हमने फिर जहां जहां बाकी जगह जो क्रॉस लगाए थे वहां पे हमने उसी सीक्वेंस में सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा,
राहु ये प्लेस कर दिए, तो आठ ग्रह हैं, आठ राशियां हैं जिनमें हमने उन्हें डालना है ना। केतु जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के मोक्ष के कारक है, उनको हमने इसमें नहीं लिया है। तो ये तो हमने ऐसे किया कि हमने 6 से 6 का सनराइज से सनसेट का टाइम एक एज्यूम करके हम चल रहे थे सीखने के पर्पज से, है ना। तो अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6:45 के करीब अगर हमने वेडनेसडे को क्वेश्चन पूछा है किसी ने, बुधवार के दिन, तो दिन के स्वामी कौन है इस दिन के, वो है बुध। तो क्योंकि ये पहले जामा में ही प्रश्न पूछा गया है, तो मीन राशि से हमने शुरू करना है, तो हमने बुध को मीन राशि में प्लेस कर दिया, और फिर यहां से हमने देखा बुध को और आगे बढ़ते गए शुक्र शनि चंद्र राहु। तो यहाँ पे कैसे, शुक्र शनि चंद्र राहु, ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमने फिर से प्लेस कर दिए ग्रह, जामा ग्रह, ठीक है। तो क्या सीखा अभी हमने कि जो फर्स्ट जामा है, जो पहला जामा है दिन का, वो जो दिन का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द डे, वो उन पे बेस्ड होएगा। तो अगर मंगलवार है तो लॉर्ड क्या, लॉर्ड कौन होएंगे, मार्स होएंगे, मंगल होएंगे। तो अब हम आगे इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था 4 मई का, है ना, 4 मई 2021 का चंडीगढ़ में, तो उस उसमें सनराइज जो है वो 5:39 AM का है, और जो सनसेट है वो 7:03 का है। तो इसको हमने क्या किया, जब दोनों का समय अवधि निकाली तो दिनमान निकल के आया 13 घंटे 24 मिनट। तो एक यामा कितना हो गया, 1 घंटा 40 मिनट और 30 सेकंड। तो जो दिन के जामाज निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, सूर्योदय से शुरू करेंगे 5:39 से लेकर 7:07 और 19 मिनट और 30 सेकंड तक, ठीक है। फिर दूसरा जामा में फिर से हमने ये ऐड कर दिया, 1 घंटा 40 मिनट 30 सेकंड इस समय में, तो आ गया 9 बज गए, 9 पूरे 9 बजे। फिर जो तीसरा जामा है वो आ गया 9:09 से लेके 10:40 मिनट 30 सेकंड तक। फिर चौथा जामा आ गया 10:40 मिनट 30 सेकंड से लेकर 12:21, फिर अगला जामा आ गया 12:21 से 2:01 और 30 सेकंड। तो इस तरीके से हमने ये जामास का टाइम निकाल लिया। अब अगर प्रश्न का समय 7:01 था, तो वो 7 बजे हम देखेंगे कि वो किस जामा में आ रहा है। तो ये तो पहले ही जामा में आ रहा है ना। पहले जामा का समय क्या है, सूर्योदय 5:39 से शुरू हुआ और 7:19 तक चल रहा था, है ना। तो 7:01 तक अगर प्रश्न पूछा गया है तो वो पहले ही जामा में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, उस दिन मंगलवार था, तो हम जो दिन के स्वामी मंगल हैं उनको हम मीन राशि में प्लेस कर देंगे, और बाकी जो ग्रह हैं वो उसी काल चक्र के सीक्वेंस से हम आगे प्लेस करते चले जाएंगे, मंगल गुरु बुध शुक्र शनि चंद्र राहु सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दिखाया है आपको, सेम एग्जाम्पल है। तो एक तो ये प्रश्न चार्ट था उस दिन का, है ना, उस समय का, और साथ में ये जामा ग्रह, तो ये दोनों को हमें लेकर चलना पड़ेगा। अब अगर समय जो है प्रश्न का समय 8 बजे आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम,
तो अगर 8 बजे का समय आ गया तो 8 बजे पहला जामा निकल गया, और ये 8 बजे क्या हुआ, दूसरे जामा में जो है हमने जातक ने आकर जो है वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो फिर हम क्या करेंगे, मंगल जो है कहाँ पे अलॉट होएगा, जो सेकंड जामा है। सेकंड जामा मतलब पहला जामा तो हमारा मीन राशि में है होता है, तो दूसरा जामा कहाँ पे आ गया हमारा, मकर राशि में। तो मकर राशि में फिर हमने मंगल को प्लेस किया और फिर से वही सीक्वेंस चला दी हमने यहाँ पे। तो अगर प्रश्न 8 बजे है, 7 बजे था, तो पहले जामा में हमने मीन में उसको प्लेस किया दिन के स्वामी को, और अगर ये दूसरे जामा में प्रश्न पूछा गया है तो फिर हम मकर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये समझने वाली बात ये कि ये जो सीक्वेंस हमने जामाज को अलॉट किया है, ये जो सीक्वेंस हमने रखी है, ये जो है ये हमारी जो ग्रहों की चाल है उससे विपरीत दिशा है। अब हम ये एक रात के समय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर लेट से कि नाइट टाइम में किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि जो सूर्योदय का समय है वो 7:03 है, और नेक्स्ट डे यानी कि 5 मई को सनराइज होता है 5:38 पे। तो हम रात्रिमान निकालेंगे, तो वो अवधि निकालेंगे तो वो आ जाती है 10 घंटे और 35 मिनट, और फिर हमने उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो पहला जामा जो रात्रि का पहला जामा आया वो आया 7:03 से लेकर रात के 8:22:22 तक, और फिर ऐसे ही आगे हमने दूसरा तीसरा और आठवां जामा तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्वेश्चन का प्रश्न का समय जो है वो 7:10 पे है, तो जामा जो है वो कहाँ पे पड़ रहा है, ये समय पहले ही जामा में जो है ये समय पड़ रहा है, तो जो उस दिन के स्वामी हैं मंगल, उनको हमने फिर से यहाँ पे पहले जामा के टाइम पे राशि में यानी कि मीन राशि में मंगल को प्लेस कर दिया, और बाकी प्लैनेट्स को फिर उसी सीक्वेंस में हमने काल चक्र की सीक्वेंस में हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन का टाइम लिया है 9:45 रात का, तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे कौन से जामा में पड़ रहा है। यहाँ भी नहीं है, ये 8:22 तक है, ये 8:22 से 9:41 और हमारा प्रश्न का टाइम है 45, तो ये तीसरे जामा में ये समय पड़ रहा है, तो तीसरा जामा यानी कि मीन फिर मकर और धन। तो मंगल को हमने कहाँ रखा है, धनु अलॉट किया है। ठीक है, तो मंगल पहला जो हमारे दिन के स्वामी है तो वो हमारे हो गए मंगल, और उनको हमने फिर तीसरे जामा के जो राशि है यानी कि धनु उसमें प्लेस किया, और बाकी फिर हमने वही अपने सीक्वेंस में ग्रह प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर दोबारा से ऐसे एक्सप्लेन करी है एक बार और, कि अगर थर्सडे है तो गुरुवार है, और थर्ड जामा के पीरियड में अगर क्वेरी जो पुटअप हुई है हमारे तक, तो ये पोजीशन आ जाएगी। ठीक है ना, हम जुपिटर को प्लेस करेंगे तीसरे जामा में, पहला दूसरा तीसरा जामा में हमने जुपिटर को प्लेस कर दिया, और यहाँ से फिर इस सीक्वेंस में हमने प्लेस कर दिया। ये साउथ इंडियन चार्ट है, और यहाँ से भी देख सकते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट से, तीसरा थर्सडे है तो गुरु दिन के स्वामी गुरु हो गए, और थर्ड जामा है तो धनु से शुरू करेंगे, और इस सीक्वेंस में हमने प्लेस कर दिया। अगर रात में प्रश्न पूछा गया है और वो फोर्थ जामा में पड़ रहा है, तो फिर फोर्थ जामा हो गया हमारा लीब्रा तुला, तो लेटर से कि शनिवार वाले दिन फोर्थ जामा में अगर प्रश्न पूछा गया है तो
तुला राशि में हमने शनि प्लेस कर दिए और फिर इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ शनि से शुरू करके चंद्र, राहु, सूर्य, ऐसे हमने यहाँ पे प्लैनेट्स प्लेस कर दिए। तो काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए। आई होप सारे व्यूअर्स को अच्छे से क्लियर हो गया हो कि जामा ग्रह कैसे प्लेस करने हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे जो है उदय। तो ये जो उदय लग्न हमने यहाँ पर लेना है जामा खोल प्रश्न पद्धति में, ये हमारा जो लग्न हम एसेंडेंट हम लेते हैं अपना नेटल हॉरोस्कोपी में या प्रश्न कुंडली में, ये उससे फर्क है। तो हमने यहाँ पर 24 उदय लिए हैं, सूर्य सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक हमने 24 उदय लिए हैं। और ये इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें या तो मैन्युअली करनी पड़ती है उस दिन के सूर्य की पोजीशन और महीने के हिसाब से जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये कोरिलेट करती है हमारे होरा लग्न से, क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो भी होरा लग्न का रिलेशन भी जो है वो चंद्रमा से ही होता है ना। तो हम यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, हम जे होरा में जाकर अगर होरा लग्न ले लेंगे उस समय का तो वो ही हमारा उदय लग्न हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम आते हैं अरूढ़ की कैलकुलेशन पे कि अरूढ़ को कैसे हमने यहाँ पर देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम जो है एक बड़ा यूनिक मेथड यूज करने वाले हैं जो श्री अरुणाचलम जी से श्री वैद्यनाथन जी को प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। देखिए वैसे अरूढ़ कैलकुलेट करने के, देखने के, फिक्स करने के जो है ना बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। प्रश्न मार्ग अगर हम देखें तो उसमें भी बताए गए हैं, और अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहां पर भी सभी कुछ यूज होता है। और जैसे वो मैं एक बार गई थी तो वहां पर वो कौड़ियों से जो है वो उन्होंने मेरा जो है वहां पे अरूढ़ लग्न उस टाइम पर फिक्स किया था। और इसी तरीके से अष्टमंगल विधि रहती है, और कई बार नंबर्स जो है बोल के 1 से 108 का नंबर के बीच में कुछ सिलेक्ट करके आरूढ़ सिलेक्ट किया जाता है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में हम देखते हैं तो उसमें एक से लेके 249 तक कोई नंबर हम लेते हैं तो उससे जो है वो कुछ बेस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये टेक्निक है, पहले समय में तो ऐसा भी रहता था कि भाई मतलब जैसे हम जैसे जातक जो है वो जब ज्योतिषी के पास आकर सामने आकर बैठे हैं तो किस दिशा में वो बैठे हैं वहां से जो है वो राशि तय की जाती थी अरूढ़ की। तो ये जो है बहुत सिंपल मेथड है। और यहाँ पे क्या करना है कि जो मिनट का अवधि है उसको हमने यूज करना है, और जो आवर वाली अवधि है ना, जो घंटे वाली अवधि है उसको हमने छोड़ देना है। ठीक है, सो 5-5 मिनट जो है वो हर राशि को असाइन कर दिए हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखें तो मेष से शुरू करेंगे, तो हमने क्या करना है, सिर्फ जो मिनट्स वाला पार्ट है उसको देखना है। अगर हमारा प्रश्न जो है जातक ने प्रश्न जो है 9:17 पे पुटअप किया है तो हम 9 बजे को तो नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ 17 मिनट को देखेंगे। और 0 से 5 जो है वो पहले मेष राशि में आ गया, 5 से 10 जो है वो में अगर प्रश्न पुटअप किया गया है तो वो वृष राशि में अरूढ़ आ जाएगा, और 10 से 15 मिनट्स में अगर प्रश्न है तो वो जेमिनी में आ जाएगा, मिथुन राशि में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9:17 पे अगर प्रश्न पुटअप किया है तो वो 17 जो है वो चौथी इसमें कर्क राशि में पड़ रहा है। तो हमारा आरूढ़ लग्न यहाँ पे हम मानेंगे कर्क को। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी हम आगे देखते रहेंगे। तो हमने 3 चीजें अभी फिक्स करी, एक था अपना जामा ग्रह, पहले हमने नॉर्मल प्रश्न कुंडली बनाई, उसके बाद में हमने जामा ग्रह फिक्स करे, उसके बाद हमने
उदय लग्ना देखा, होरा लग्ना यूज किया जय होरा में से, और फिर हमने आरूढ़ आरूढ़ लग्न सेट किया। अब हमने समझना है कि सूर्य वीथी क्या है। तो सूर्य वीथी क्या है, सूर्य जो है ना उसकी तीन तरीके की चाल है, और वो तीन चाल जो है वो फिक्स्ड है। तो वो फिक्स्ड ऐसे है कि अगर सूर्य जो है एरीज में, यहाँ से शुरू करते हैं, अगर सूर्य वृष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और अपना ये सिंह राशि में होते हैं, तो जो सूर्य रीति है वो कही जाती है कि उनकी चाल जो है वो मेष की है। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा एस्ट्रोनॉमी जानते हैं वो इसको समझ जाएंगे कि कैसे है ये। और अगर सूर्य जो है, जिस दिन प्रश्न हमने किया है, प्रश्न वाले दिन अगर सूर्य जो है वो कन्या में है या तुला में है, तो उनकी जो सूर्य वीथी कहते हैं वो हो गई वृषभ। हाँ, और इसी तरीके से अगर वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है, धनु में है और मकर में है या कुंभ में है, तो मिथुन, और मीन और मेष में भी वृषभ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साउथ इंडियन चार्ट में इसको लिख दिया है। तो सूर्य जिस साइन में है उससे उसकी जो सूर्य वीथि है वो डिसाइड हो गई। तो हमारे एग्जाम्पल चार्ट जो हमने लिया यहाँ चंडीगढ़ का 4 मई 2021 का, तो सूर्य जो है वो मेष राशि में है, तो सूर्य जो वीथि है वो हो गई वृषभ। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे जो है छत्र और कवित। तो अब छत्र क्या है, मतलब ये क्या है कि कवरिंग है, जिसने आरूढ़ को थोड़ा कवर किया हुआ है। तो ये जो सीक्रेट चीज है, जो छुपी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही है, ये उसके बारे में भी बताते हैं। तो हमने क्या करना है कि जितने साइन होरा लग्न से लेकर, होरा लग्न तो हम मतलब यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर से, एक्चुअली में उसकी जो टर्म है वो है उदयम। तो उदय से जो है हम उदय लग्न से हम उतने साइंस चलेंगे जितना आरूढ़ से सूर्य वीथी है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पहले हमने क्या देखना है, आरूढ़ लग्न से सूर्य वीथी की राशि जो है वो कितनी दूर है वो हमने देखना है। ठीक है, जैसे ये वाला चार्ट जब हमने यूज किया, तो यहाँ पे हमने ये जो नॉर्मल प्रश्न चार्ट है इसमें हमने आरूढ़ को भी मार्क कर लिया, और हमने यहाँ पर अपना उदय लग्न मार्क कर लिया, ये जो होरा लग्न लिखा हुआ है। ठीक है, और सूर्य वीथी SV ये भी यहीं पर है। ठीक है, तो आरूढ़ से लेके ये राशि भी काउंट करेंगे और ये राशि भी काउंट करेंगे, तो आरूढ़ से लेकर और सूर्य वीथी, तो एक और दो, दो राशियां चलनी पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से होरा लग्न से उतनी ही राशि चलेंगे, तो एक और दो, तो मिथुन राशि में हमारा कविप या छत्र यहाँ पे प्लेस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब ये कुंडली का निर्माण कर लिया है। जो जो चीज हमें चाहिए है इस प्रश्न को लगाने के लिए, जो प्रश्न हमें 7:01 पर मंगलवार के दिन चंडीगढ़ में 4 मई को पूछा गया, तो उसके लिए हमने ये प्रश्न कुंडली सारे वेरिएबल्स के साथ में तैयार कर ली है। तो इसको कैसे अब हमने स्टडी करना है ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, और आई होप आपको ये समझ में आ गया है सब कुछ, और अगले वीडियो में मिलते हैं।